आठ एक्स प्लस तीन, दो एक्स माइनस चार बराबर चार एक्स बटा एक्स माइनस पांच, एक्स माइनस। अब देखो इन दोनों संख्याओं को वज्र गुणा करेंगे, क्या करेंगे? वज्र गुणा। आठ एक्स प्लस तीन को करेंगे एक्स माइनस पांच से, ये गुणा हो गया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा है, क्या है? अब दो एक्स माइनस चार को कितने से करेंगे? चार एक्स से। किसे? इसमें देखो, इस कोष्टक में दो संख्या है, इस कोष्टक में भी, तो किसी कोष्टक को एक बार लिख लूं, एक बार इसको लिख दिया, ये लिख दिया, अब दो बार लिख दिया इसको। अब अपने इसको तोड़ देते हैं, पहले करते हैं आठ एक्स से, दूसरे कितने एक्स करते हैं तीन से, बराबर ये तो एक ही है, गुणा करते जाऊं, चार दूनी आठ, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स की स्क्वायर, ये प्लस माइनस माइनस, चार चौका सोलह एक्स हो गया। अब इसको गुणा करेंगे, प्लस प्लस प्लस, आठ एकम आठ एक्स की स्क्वायर हो गया, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस है, आठ पंजा चालीस एक्स, आठ एक्स को माइनस पांच से करेंगे हो गया, ये प्लस प्लस है, प्लस तीन को एक्स से करेंगे तीन एक्स, प्लस माइनस है, माइनस पांच दिया पंद्रह बराबर आठ एक्स स्क्वायर माइनस सोलह एक्स, पक्षांतरण है, आठ एक्स स्क्वायर माइनस चालीस एक्स प्लस तीन एक्स माइनस का आठ एक्स स्क्वायर, यहां प्लस का था यहां के माइनस का हो गया, ये यहां माइनस का था यहां के प्लस का हो गया, बराबर केवल पंद्रह बच्चे हैं, ये माइनस के आगे जाके किसके हो जाएंगे? प्लस। किसके हो जाएंगे? अब देखो आठ एक्स स्क्वायर एक प्लस का है, एक किसका है? इसको तो काट दूं, काट दिया। अब देखो ये माइनस के चालीस एक्स है, प्लस के देखो सोलह एक्स और तीन एक्स, सोलह तीन कितने होते हैं उन्नीस एक्स, बराबर कितने हो गए? चालीस माइनस के हैं, प्लस के कितने हैं उन्नीस, तो माइनस है कितने बच गए? इक्कीस एक्स, बराबर कितने हो गए? पंद्रह। एक्स बराबर माइनस पंद्रह बटा इक्कीस, चिन्ह जो है इसके साथ में जाएगा, पांच तिया सातिया माइनस पांच बटा सात, माइनस पांच बटा सात, माइनस पांच बटा सात, ठीक है।